नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे मनी प्लांट के बारे में। तो मनी प्लांट के वीडियो मैंने पहले भी बनाया है कि पानी में मनी प्लांट को कैसे हम ग्रो करें, लेकिन आज का वीडियो थोड़ा सा अलग है। आज हम मनी प्लांट को बिल्कुल एक पत्ती से ग्रो करेंगे, बिल्कुल छोटी सी एक पत्ती वाली कटिंग से। तो बिल्कुल आपको कहीं भी छोटी सी भी कटिंग मिल जाए, एक पत्ती बस, तो उससे भी आप आसानी से पानी में बहुत ही अच्छे से अपनी बेल बना सकते हैं। तो देखिए, ये मेरी डब्बे में लगी हुई है और कितनी लंबी हो गई है, लगभग 2 मीटर लंबी ये हो रही है। आज मैं इसको काट दूंगी ताकि इसमें से मैं और बहुत जगह लगाऊं। मेरे पूरे घर में बहुत सारी मनी प्लांट लगी हुई है, मिट्टी में, पानी में, छोटी छोटी बॉटल्स में, सब में लगी हुई है। तो बिल्कुल हम छोटी सी जहाँ पर ये पत्ती रहती है उसके पीछे देखिए, इसकी यहाँ पर जो रूट्स होती है छोटी सी, बिल्कुल हम एक पत्ती लेंगे बस, उसके पीछे ये रूट होती है, इसमें से ही इसकी नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरह से हम बहुत सारी अलग अलग बेलें बना सकते हैं अपनी एक कटिंग से। अगर हम लंबी कोई कटिंग लगाते हैं तो उससे सिर्फ एक ही बेल बनेगी, लेकिन इस तरह से काट काट कर अगर हम अलग अलग लगाते हैं तो हमारी बहुत सारी बेलें तैयार होंगी। और इस तरह से हम मिट्टी में भी लगा सकते हैं। मैंने मिट्टी में भी लगाना बताया था अभी थोड़े दिन पहले इस तरह से। तो देखिए, जो यहाँ पर आपको छोटी सी जड़ दिख रही है, यहीं से इसकी जड़ बनना शुरू हो जाएंगी। तो बिल्कुल एक पत्ती से बहुत ही अच्छे हमारी बेलें तैयार होंगी। तो मेरे अंदर भी पानी में बहुत सारी मनी प्लांट लगी हुई हैं, बहुत सारी बॉटल्स में, और बाहर भी मेरी बालकनी में भी। तो जहाँ भी ये लगाती हूँ मैं, बहुत ही अच्छे से चल जाती है। तो इस तरह से जो ये हमने काटा है, जो इसकी जड़ वाला जो हिस्सा है, इसको हम पानी में डाल देंगे। तो आप देखिए बिल्कुल एक पत्ती से किस तरह से कितनी सुंदर हमारी मनी प्लांट की जो बेल है वो तैयार होगी। और इस वीडियो में मैं पूरा रिजल्ट भी आपको दिखाऊंगी इसका, कि ये कितने दिन में अच्छे से इसकी ग्रोथ स्टार्ट होती है। तो आप वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको पूरी जानकारी मिले इसकी। बस हमें इसका इतना ही ध्यान रखना है, मैं इसमें तीन ही कटिंग लगाऊंगी, ये तीन पत्ती बस छोटी छोटी। इसका हमें इतना ही ध्यान रखना है कि पानी इसमें जो इससे कम नहीं होना चाहिए, इसकी जो हमने डाली है रूट्स, ये डूबी रहनी चाहिए पानी में। बाकी इसका पानी अभी हमें नहीं बदलना है, बिल्कुल इसको ऐसे ही रखना है जबकि इसकी रूट्स बन ना जाएं, जब तक बिल्कुल हम इसके पानी को चेंज नहीं करेंगे। तो देखते हैं कितने दिन में जो ये रूट्स हैं इसकी बनती हैं, और मैं ये वीडियो अब शेयर करूँगी जब जब इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, ताकि आपको पता चल सके कि कितने दिन में इसकी अच्छी ग्रोथ हुई है। तो आप हमेशा कमेंट भी करते हैं कि हमारी मनी प्लांट की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो थोड़ा इंतज़ार किया करें। कभी-कभार ऐसा होता है कि थोड़ा लेट भी ग्रोथ होती है। तो देखिए दोस्तों, ये अब बिल्कुल 22 दिन बाद मैं आपको वीडियो दिखा रही हूँ, 22 दिन बाद का ये रिजल्ट है। देखिए इसकी जो जड़ है वो कितनी लंबी हो चुकी हैं, जो हमने बिल्कुल एक पत्ती लगाई थी उसमें से निकलकर जड़ कहाँ तक पहुँच चुकी हैं देखिए। तो दोस्तों, मुझे जो मैं लंबी कटिंग लगाती हूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिला है इस एक पत्ती की कटिंग में। तो मैं तो अब ये एक पत्ती वाली ही ज़्यादा कटिंग लगाऊंगी, क्योंकि इससे इसमें तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। इतनी लंबी रूट्स तो इतनी जल्दी मेरी जो मैं लगाती हूँ लंबी कटिंग्स, उनमें कभी भी नहीं बनती हैं। तो देख सकते हैं आप कितनी नीचे तक जा रही हैं, मैं आपको निकाल के भी दिखाऊंगी एक एक, और ऊपर से भी देखिए इनमें नई नई पत्तियाँ निकलनी शुरू हो गई हैं। पूरे देखिए आप, 22 दिन में इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो चुकी है। इसकी रूट्स तो बनना शुरू हो गई थी लगभग 10 दिन में ही, लेकिन मैंने इसका इंतज़ार किया कि इसकी ग्रोथ अच्छी हो जाए जब मैं वीडियो बनाऊं। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ कितनी लंबी हो चुकी है। देखिए इसकी जो जड़ है, तो देख लीजिए आप कितनी अच्छे से चली है ये, और इसकी जो एक पत्ती थी वहीं से अब दो पत्तियाँ और निकली हैं। देख लीजिए, हमें ये एक पत्ती से हमने इसको लगाया था और दोनों पत्तियाँ ये छोटी छोटी सी नई निकल रही हैं, तो एक साथ दो पत्ती निकल रही है, नहीं तो एक ही पत्ती निकलती है एक बार में। तो बहुत ही अच्छी इनकी ग्रोथ हुई है। दूसरी वाली भी मैं दिखाती हूँ, दूसरी वाली भी बिल्कुल इतनी ही लंबी इसकी जड़ बन गई है, और एक नहीं उसमें से तो कई कई जड़ निकल रही हैं। मुझे भी आश्चर्य हो रहा है देखकर कि इतनी जल्दी इसकी बहुत ही अच्छी ग्रोथ हुई है। तो मुझे लग रहा है कि छोटी कटिंग जो है वो बड़ी कटिंग के मुकाबले ज़्यादा अच्छे से चलती है।
तो देखिए इसमें से भी दो पत्तियां निकल रही हैं। अरे वाह, इसमें से तीसरी वाली भी देखिए कितनी लंबी इसकी रूट्स हुई है, और इसमें भी इसी तरह से दो पत्तियां निकल रही हैं। हर एक में से दो दो पत्तियां निकली हैं और रूट्स भी इतनी लंबी बनी हैं, और एक पत्ती बस हमने ली थी बिल्कुल छोटी सी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से हमारी जो तीन बेलें अब तैयार हो गई हैं। अब तीनों ये अलग अलग भी हम इनको बोटल्स में लगा सकते हैं। तो बिल्कुल पहले अगर हम लंबी कटिंग लेते तो बस एक ही कटिंग काफ़ी लंबी हम लगाते, उससे एक ही बेल बनती, और अब हमारी देखिए तीन बेलें तैयार हो गई। तो दो दो पत्तियां निकल कर अभी कुछ दिन में ये जो ये मेरी बोटल है इसमें कितनी सारी पत्तियां हो जाएंगी। तो इस तरह से इतनी आसानी से हम बिल्कुल अपनी मनी प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं एक पत्ती से। तो दोस्तों अब मैं बताती हूँ आपको करना क्या है इसके पानी वानी के बारे में, कि कितने दिन में हम चेंज करना है। दोस्तों पानी बिल्कुल भी जल्दी चेंज ना करें। बहुत से लोग कहते हैं डेली चेंज करें कि हफ्ते में चेंज करें, आप बिल्कुल भी ना ही एक हफ्ते में चेंज करें और ना ही डेली। मैं बिल्कुल इसका 15-16 दिन में पानी चेंज करती हूँ, और 15-16 दिन से पहले बिल्कुल पानी मत बदलिए। जब पानी कम, बस ये देखते रहिए कि पानी कम ना हो, जैसे ही पानी कम हो अगर तो उसमें और पानी डाल दीजिए, लेकिन पानी जल्दी जल्दी चेंज मत कीजिए। ज़्यादा जल्दी चेंज करने से भी इसकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती है। तो बिल्कुल पानी बिल्कुल 15-16 दिन में बदलें और पानी बस इसमें ऐड कर दें। और दूसरी बात, इसको जहाँ पर थोड़ी रोशनी हो ऐसी जगह पर रखें जैसे कि विंडो के पास, तो बिल्कुल ये बहुत अच्छे से ग्रो करेगी। और बिल्कुल मैं इसमें कोई आरओ का पानी नहीं लेती हूँ, बिल्कुल जो नॉर्मल टंकी का पानी है वही मैं इसमें यूज़ करती हूँ, और उसी में इसकी अच्छे से ग्रोथ होती है। तो आपको कोई आरओ का पानी लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपल पानी लीजिए, उसमें अच्छे से बढ़िया से चलती है ये। तो बिल्कुल आसान है, आप बस पानी, ना ही पानी बदलने की टेंशन है और ना ही कुछ। तो आप लगाइए आराम से, और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।